करो। ओ कितने पागल हैं, हम तो भूल ही गए कि हम तो पापा बनने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। शुक्र चाचा आदाबल से। वो दूसरी वाली देखिए ना। हाँ चुप रहो, डिस्टर्ब मत करो। अरे तुम कब आए चाचा? कब उतरेगा जुनून ये लॉटरी का? बस आपके जरूर निकलेगी। कभी नहीं निकलेगी। कभी नहीं निकलेगी, खुदा हो क्या? बचपन से देखता आ रहा हूँ, अभी तक तो नहीं निकली। अमां लॉटरी है, कभी ना कभी तो निकलेगी। शकूर मियाँ इस उम्मीद में है कि कभी तो अल्लाह मेहरबान होगा और शकूर पहलवान होगा। साइलेंस जेंटलमैन, साइलेंस। चूंकि ये कॉन्फ्रेंस 2 महीने पहले तय हुई थी इसलिए हम आ गए, वरना। क्यों, दुल्हन की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दुल्हन की तबीयत तो ठीक है, लेकिन। लेकिन क्या चाचा जान? कभी भी बुलावा आ सकता है, अस्पताल जाने का। जेंटलमैन, this is the first time we're entering the cosmetic field and we have to be the best. We don't want any risks involved. Yes, Suzy, what is it? Sir, bungalow se phone tha. Mrs. Mehra hospital pahunch chuki hai. Hum Sharjit gaye na? Humne kaha tha na ki ladki hogi. Acha baba, aap jeete, main haari. To laiye hamari bet. Ye kya halat bana rakhi? बात मत डालिए, हमारी बेट लाइए। पहले अपना हुलिया ठीक करके आइए, फिर दूंगी। हम एक बार गए तो वापस नहीं आ सकेंगे। क्यों? अरे भाई सारे शहर को खबर हो चुकी है, अब तक तो पार्टी भी शुरू हो गई होगी, कोई आने देगा वहां से? आज रात हम आपके साथ गुजारेंगे। ए मिस्टर मेहरा, शी इज अंडर सेडेशन, इसलिए इन्हें नींद आ रही होगी, इन्हें सोने दीजिए। तो सोए ना, हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम तो इनसे खेलेंगे। देखिए अब आप घर जाइए ना। क्यों जाऊं? वरना सब कहेंगे कि आप चोरों का गुलाम हैं। चोरों का गुलाम? वो तो हम हैं। मिस्टर मेहरा, आपको यहां रहने की इजाजत नहीं है। ओ सुना आपने, अब आप घर जाइए और सुनिए, रात भर जागेगा मत और कल सुबह जल्दी आ जाइएगा। अरे हम तो सूरज निकलने से पहले खुद आएंगे आपको जगाने। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और अगर मैं जाग भी गई ना तो मैं आंखें तभी खोलूंगी जब आप मुझे आवाज देंगे।
अरे हम आवाज क्यों देंगे, हम तो आपको जगाएंगे। ओ सिस्टर जरा मुंह उधर घुमाइए ना प्लीज। हाँ लाइन इज़ क्लियर। सर अब आप मुंह घुमा सकती हैं। सच है ये कोई इल्जाम नहीं है, अरे सच है ये कोई इल्जाम नहीं है, कौन है जो जोरू का गुलाम नहीं है, कौन है जो जोरू का गुलाम नहीं है, सच है ये कोई इल्जाम नहीं है, कौन है जो जोरू का गुलाम नहीं है, कौन है जो जोरू का गुलाम नहीं है। ऐसा पिटना भी तो हराम नहीं है, ऐसा पिटना
हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। अचानक दुल्हन की तबीयत बहुत खराब हो गई है, हेमरेज हो गया है, तुम फौरन चले आओ। खोलो नीना, हम आ गए। तुमने तो कहा था हमारी आवाज सुनकर आंखें खोलोगी, ये तुम्हें क्या हो गया है? आंखें खोलो ना नीना। मिस्टर मेहरा, इट वॉज अ केस ऑफ पोस्ट डिलीवरी हेमरेज ऑफ द यूट्रस। वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट बट सॉरी। तुमने तो कहा था तुम जिंदगी भर साथ निभाओगी, तुमने तो वादा किया था, और हमें अकेला छोड़कर चली गई। अरे पगली, हम जिएंगे तो किसके सहारे? हाँ अशोक, इस तस्वीर को देखने से क्या दुल्हन वापस आ जाएगी? तुम हर वक्त गम में डूबे रहते हो, ऑफिस जाना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, ये सब कब तक चलेगा? शकुर चाचा, हम बेबस हैं। हम नीना को जितना भी बुलाना चाहते हैं उतना ही वो हमें याद आती है। मैं तुम्हारा दुख समझता हूं बेटे, सब्र से काम लो, जीना सीखो, और कुछ नहीं तो नीना की इस नन्ही सी मासूम निशानी का तो ख्याल करो। मैं सुंदर से कहता हूं कि इस तस्वीर को अलमारी में रखते हैं।
बेटे अल्लाह ने चाहा तो हमारा नया प्रोडक्ट मार्केट में आते धूम मचा देगा, लेकिन जरा उसके लिए फर्स्ट क्लास पब्लिसिटी कैंपेन चाहिए। चाचा आपने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। मैंने तो एक फोटोग्राफर भी सिलेक्ट कर लिया है, कैमरे का जादूगर है, नाम उसका बेदी, आदमी जरा सर फिरा है, कल सुबह 10 बजे तुमसे मिलने आ रहा है, जरा संभाल लेना। हाँ मिस्टर बेदी। मिस्टर मेहरा, मैंने पहले ही शकुर मियां से कहा था कि मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। आइए। देखिए 20 मिनट तो जाया हो चुके हैं, बाकी रहे 40 मिनट। इसमें क्या आप कैंपेन एक्सप्लेन करेंगे, क्या आप प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और क्या हम डिस्कस करेंगे? हम कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, पूरी दुनिया में हमारा माल सुपीरियर है, लेकिन फॉरेन की सुपीरियर पब्लिसिटी कैंपेन की वजह से हमारी सेल कम है। जी हाँ, वो इसलिए कि हिंदुस्तानी बिजनेसमैन की एक बहुत बड़ी खूबी है, वो कम से कम पैसा देकर अच्छे से अच्छा रिजल्ट मांगता है। हम उनमें से नहीं। तो आप मेरी कैंपेन देखने के बाद विदेशियों की तारीफ नहीं करेंगे? आपकी कीमत 2 लाख और एडवांस 50,000। ये रहे 50,000, और जरूरत पड़े लक्ष्मी ऑफिस में। और हाँ, इस बीच में हम दोनों की मुलाकात की जरूरत नहीं। मिस्टर मेहरा, मेरे साथ लेआउट कौन डिस्कस करेगा? आई हैव हायर्ड द बेस्ट मैन। हमें कैंपेन 2 महीने में रेडी चाहिए। इट्स अ क्रिएटिव जॉब मिस्टर मेहरा, 2 महीने तो मुझे सिर्फ मॉडल ढूंढते ढूंढते ही लग जाएंगे। पापा, सब बच्चों की मम्मी है, मेरी मम्मी कहाँ है? बेटे, आपकी मम्मी भगवान के घर चली गई। मुझे छोड़कर? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती थी? नहीं, बहुत प्यार करती थी। सच पापा? सच। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी? फिर क्यों चली गई? बेटा, भगवान को जो अच्छे लगते हैं ना, उन्हें भगवान बहुत जल्दी बुला लेते हैं। तो मेरी मम्मी वापस आएंगी ना पापा? जब भगवान भेजेंगे। जल्दी आएंगी ना पापा? पता नहीं पापा, अगर मेरी मम्मी जल्द वापस नहीं आए तो मुझे भी उनके पास भेज दीजिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, और आइंदा भी कभी ऐसा नहीं बोलना। तुम्हारी मम्मी बहुत जल्दी वापस आ जाएंगी। प्रॉमिस पापा? प्रॉमिस। चले जी। माफ कीजिए भाई साहब, पिंक साड़ी में आपने किसी लड़की को जाते हुए देखा है?
जी हाँ, वो सामने वाली बिल्डिंग में गई है। आप चाहते हैं ये आपके लिए काम करे? जी हाँ। ये मुमकिन नहीं। हेलो राधा। हाय। हेलो राधा। हेलो। आपको आने की हिम्मत कैसे हुई जी? और जा भी कहां सकता था? पुलिस स्टेशन जा सकते हैं आप। देखिए, आप भविष्य के बारे में सोच रही हैं, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। रूपा, जरा पुलिस को फोन करना प्लीज। माफ कीजिएगा, मैं कारोबारी आदमी और फैशन की दुनिया में लोग मुझे बेदी के नाम से जानते हैं। बेदी स्टिल फोटोग्राफर? जी हाँ, अपने नए असाइनमेंट के लिए मुझे आपकी जरूरत है। आई एम सॉरी, मुझे मॉडलिंग में कोई दिलचस्पी नहीं, और मैं आपकी रासलीला की कहानियां सुन चुकी हूं। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है मैडम, और फिर हारा हुआ चुआरी अक्सर दूसरे को बेईमान ठहराता है। मुझे यकीन नहीं आता कि आपको अपने आप पर भरोसा नहीं। मॉडलिंग में आपको दिलचस्पी तो है, लेकिन अपने आप पर भरोसा नहीं। जिस दिन आपको अपने आप पर भरोसा आ जाए, उस दिन मुझे फोन कर दीजिएगा। मैं आपको इस असाइनमेंट के 20,000 रुपए दूंगा। हेलो। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। Are you sure? जी हाँ। हेलो हेलो। बेटी, अपनी परवरिश की कीमत अदा कर रही हो? जी नहीं, मैं आपका बोझ हल्का कर रही हूँ। हक पहुंचता है मुझे। हाँ बेटी, हाँ बेटी। भगवान जी का घर जानते हो? हाँ बेटी, बहुत दूर दूर आसमान पे। तुम वहाँ जा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं हैं? अभी से तुम्हें कोई वहाँ काम है? हाँ चाचा। क्या? तुम वहाँ जाओ ना। हाँ? वहाँ से मम्मी को लेकर आओ ना। बेटी, वहाँ जाना अपने बस की बात नहीं। तो फिर एक काम करते हैं। क्या? मम्मी को चिट्ठी लिखकर उन्हें बुला लेते हैं। अरे पगली, इतनी दूर चिट्ठी पहुँचेगी कैसे? मम्मी कैसे पहुँच गई? अब इसका जवाब मैं क्या दूं? इसका जवाब मैं देती हूँ। वो देखो बलून। जाओ उससे एक बड़ा वाला बलून ले आओ। बलून? अच्छा, अभी लाता हूँ। अरे देखे तो सही हमारा बेटा क्या कर रहा है, इतना बड़ा बलून। देखो ना पापा, मम्मी को चिट्ठी लिखी है, अब इसे बलून में बांधकर ऊपर भगवान के घर भेज देंगे। अच्छा, देखे तो सही हमारे बेटे ने क्या लिखा है अपनी मम्मी को। हाँ भगवान जी, गुड मॉर्निंग। सब बच्चों की मम्मी है जो उन्हें प्यार करती है। आपने मेरी मम्मी को अपने पास क्यों बुला लिया? मैंने तो अपनी मम्मी को कभी देखा तक नहीं। उन्हें जल्दी से भेज दीजिए। उनसे कहिएगा कि वो अपने मम्मी से इतना प्यार करें जितना कोई मम्मी अपने बच्चे से नहीं करती। पापा भी उनके बिना हमेशा उदास रहते हैं। मेरी चिट्ठी मिलते ही आप मेरी मम्मी को फौरन वापस भेज दीजिए। मिनी, ये क्या कर रही हो बेटी? इसमें मैंने मम्मी को चिट्ठी लिखी है, अब इसे बलून में बांधकर छोड़ देंगे। जब ये भगवान जी के घर पहुंचेंगी तो भगवान जी मेरी मम्मी को मेरे पास भेज देंगे। प्लीज थोड़ा आगे आइए। हाँ हाँ, ऐसे ही। यस हाँ,
इसे तो हटाइए मैडम। अरे क्या हुआ? मैं आपका से दुपट्टा हटा रहा था मैडम। तो आप मुझसे भी कह सकते थे। गॉड, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आप समझती क्यों नहीं, दुपट्टा आपकी ड्रेस के साथ नहीं जाता है। तो फिर मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी। क्यों? मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं कपड़े अपनी पसंद के पहनूंगी। चली जी, ये कपड़ा तो कुछ भी नहीं है। हमने तो मॉडल्स को ऐसी हालत में देखा है। शट अप। दो मिनट के बाद मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि आपकी ये फोटोग्राफ्स विदेश भेजी जाएंगी, भारत की पत्रिकाओं में आपकी कोई तस्वीर नहीं छपेगी। तो आपकी इस खूबसूरती का आनंद विदेशियों के भाग्य में, हम उल्लू के पट्टों के भाग्य में नहीं। सुनिए, मैं देखिए, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। जाओ यार, दफा हो यहां से। अरे लवली लवली, अरे पलट के देख। देख लिया जल्दी। अरे बाप रे, मर गए। बॉस वो जा रही है, वो चल दे, जा रही जा। देखिए, तूने फिर कोई हरकत की? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, एक दो आर्टिस्ट ही गया मैं। अरे वो गधे, ये उन लड़के में से नहीं समझा। अरे आगे बच्चों, आगे खतरा है। रुक जाओ राधो। रुक जाओ। I'm sorry. चंदू की बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूं। आज के बाद कभी भी काम के वक्त वो आसपास नहीं भटकेगा। प्लीज टेक इट इजी, प्लीज। Please connect. Mr. Mehra, how are you? I'm fine, thank you. How are you, Mr. Bedi? Very fine, thank you. और फरमाइए, कैसे याद किया? आप फोटोग्राफ भिजाने वाले थे, क्या हुआ?
जी हाँ, वो क्या हुआ कि काम में कुछ ज्यादा ही मशगूल रहा मेरा साहब, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया की एक बेहतरीन कैंपेन होगी। ओह दैट्स फैंटास्टिक, कुछ ज्यादा ही देर लग रही है। जी मेरा साहब, वो क्या है ना कि वो कुछ क्लाउड्स वेदर और यू नो काम में वक्त तो लगता ही है। वैसे मैं आपको यकीन दिला दूं कि जब भी आप ये कैंपेन देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। दैट्स नाइस, ओके बाय बाय। आपने कभी अपने भविष्य के बारे में सोचा है? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है अपने जीवन साथी के बारे में। ओह, वो तो हर लड़की सोचती है। क्या? यही कि उसका पति करोड़पति ना सही, कम से कम लखपति तो हो। उसके पास कम से कम दो चार बंगले तो हो। नौकर चाकर हो, गाड़ियां हो, सुखी जीवन बिताने के लिए आदमी के पास इतना तो होना चाहिए ना? नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए काम करते हैं।
रहा था। ना तो मेरे पास बंगला है, ना गाड़ी, ना नौकर चाकर। इसलिए तो। इसलिए क्या? आप ही तो कहा करते थे कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। मैंने सोचा एक से दो भले। मतलब? अकेले सपने देखते देखते थक गई थी। ऐसा लगा वही सपने आपके साथ मिलकर देखूं तो शायद साकार हो जाएंगे। कहते हैं एक अकेला होता है तो मिल जाए तो ग्यारह हो जाते हैं। आप भी मानते हैं ना? गणपति स्वाहा, गणानंत्वा गणपति गुंगवा महेश्वाहा। शहर राम सीता की जोड़ी, मिस्टर बेबी, आपने अपने हाथ से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। आज से आपकी रासलीला समाप्त। अब जीवन भर रामलीला कीजिए। मुबारक हो बॉस, इस खुशी के मौके पे एक बढ़िया फोटो हो जाए। आइए करीब आइए, कैमरे के पास आइए। आज 15 दिसंबर है ना? आज मेरा जन्मदिन है। क्या आज तुम्हारा जन्मदिन भी है? हाँ, पहला। पहला? इसमें ताज्जुब करने की क्या बात है? सही मानने में तो मेरा आज ही जन्म हुआ है। माँ बाप तो बचपन में गुजर गए, तुमने मुझे अपना बनाकर आज एक नई जिंदगी दी है। तुमसे वादा करते हैं कुछ दिन और ठहर जाओ, तुम्हारी मम्मी जरूर आएगी। अगर मम्मी नहीं आई तो हम खाना पीना छोड़ देंगे, मेरी तुम्हारी कट्टी कट्टी कट्टी। बेटा ऐसे तो पियानो खराब हो जाता है, पियानो तो ऐसे बजाया जाता है। जाती थी हाँ बेटा, वो हमसे भी अच्छा बजाती थी। पापा मम्मी आएंगी तो मैं उनसे पियानो बजाना सीखूंगी। जरूर सीखना। चलिए पहले घर की मालकिन। चंदू सारा सामान आ गया क्या? आ गया भाई, ये रहा। और मैं आपको याद दिलाने के लिए आ गया कि इनकी फोटोज और ट्रांसपेरेंसी लेकर फौरन चलिए, माल की वसूली में देर नहीं करनी चाहिए। और इस बार आपने मुझे 10,000 रुपए देने का वादा भी किया है। चंदू ये फोटोग्राफ किसी को देना तो दरकिनार, मैं दिखाना तक पसंद नहीं करूंगा। क्या कहा? सुनने में नहीं आया? ये फोटोग्राफ किसी को देना तो दरकिनार, मैं दिखाना तक पसंद नहीं करूंगा। लेकिन क्यों? इसलिए कि अब वो मेरी बीवी है। लेकिन जब फोटो लिए थे तब तो वो मॉडल थी। चंदू अपनी बीवी पब्लिक के सामने नुमाइश ली नहीं होती। आप 2 लाख रुपए पे खाक डाल रहे हैं। चंदू ये बात तुम उस रोज समझोगे जब तुम्हें किसी से प्यार हो जाएगा, और जब वो तुम्हारी बीवी बनेगी तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा। माफ कीजिएगा बॉस, मुझे तो उनमें कोई जन्नत की उर वाली बात नजर नहीं आई। वैसे तो इश्क अगर गधी से भी हो जाए तो परी क्या है? अरे कर रहे आप? अरे हाथ धो गई, अरे मैंने बोला क्या? अरे हाथ भाभी की बचाइए, अरे भाभी की सुनिए, बचाइए, क्या कर रहे आप? अरे मेरी बाप, अरे अरे मेरे हाथ, वो बोले बचाइए, भाभी आ गई, भाभी आ गई, भाभी आ गई, अरे हाथ धो गई, सच बोलना भी पाप है, माफ करो। शायद वो ध्यान कमी लगाएंगे।
चलो चाय पीकर अपना गुस्सा ठंडा करो। नहीं, पहले इन फोटोग्राफ्स का फैसला कर लो। मिस्टर बेदी टू सी यू सर। सेनेमैन हेलो सर। आइए आइए मिस्टर बेदी, हम आप ही के इंतजार कर रहे थे। तशरीफ रखिए। बेदी साहब, लंदन और पेरिस में हमने एग्जीबिशन स्टॉल की बुकिंग कर ली है, उसके लिए बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स की जरूरत है और ब्रोशर छापने के लिए हमने एक स्विट्जरलैंड की बहुत बड़ी कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट किया है, उसके लिए भी तो फोटोग्राफ चाहिए। और बेदी साहब, आपकी बेहतरीन पब्लिसिटी ही तो हमारी कामयाबी की गारंटी है। बस ये काम दो दिन के अंदर हो जाना चाहिए। जी वो तो आप फोटोग्राफ्स में लाए, क्या तैयार नहीं हुए? वेरी सॉरी मिस्टर मेहरा, मैंने जी जान से मेहनत की थी लेकिन सारे फोटोग्राफ्स खराब हो गए। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने जितनी भी फिल्म खरीदी वो सारी की सारी खराब निकली। ओल्ड स्टफ। लेकिन वोग और कॉस्मो में हमने जो एड की स्पेस बुक की थी उसका क्या होगा? होना क्या है, उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मेरी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान होगा। गलती आपने जानबूझ के थोड़ी की, जो बात इंसान के बस के बाहर हो उसके सामने हार मान लेनी चाहिए। हाँ, मगर आपका जो इतना नुकसान होगा। बिजनेस का मतलब यही है मिस्टर बेदी, कहीं नफा कहीं नुकसान, इट्स ऑल इन द गेम। काय तुझा मनात सांग मजा कानात, काय तुझा मन। अरे आपकी बेटी मुझे देखकर भाग क्यों गई? तू उसे मेरी बेटी समझता है तो क्या माँ समझू? हाँ, मगर आपकी उम्र देखकर तो मेरी नहीं तेरी माँ। मेरी माँ तो पैदा होते ही मर गई, तो होने वाली भाभी समझ लो। हाँ हाँ, आप इनसे शादी करने वाले हैं? सर आपका हाथ देखो, आपकी शादी के चांसेस तो 5% है। हाँ? मगर इनके जवानी में विधवा हो जाने के 95%। क्या कहा? सावधान अंदर है। हैं? मैं अभी आया। 5% तो है। अगर तुम्हारी ये बात सच है तो बेदी के लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, होना भी चाहिए। उन्होंने आपके साथ धोखा किया है। हेलो नरैया, कौन फरमाइए? आपने अपनी मॉडल से शादी कर ली है, क्या ये सच है? वो फोटोग्राफ्स और ट्रांसपेरेंसीज आपके पास महफूज हैं, क्या ये सच है? आपकी खामोशी ये बता रही है कि ये सब सच है। मिस्टर बेदी, हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो फोटोग्राफ्स हमारी अमानत है, इसे जल्द से जल्द हमारे ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए, वरना जी। वरना आप एक शरीफ आदमी हैं, हम पुलिस के जरिए आपके घर की तलाशी करवा सकते हैं। राधा, एक काम करो, इन्हें ले जाकर अपनी मदर मैटर्न के पास रख दो, उससे बेहतर और कोई जगह ना होगी। मेरे ख्याल से तुम ये उन लोगों को देकर छुट्टी करो। देखो मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। हेलो मिस्टर बेदी, कम इन। मिस्टर बेदी, आप काफी समझदार आदमी हैं, हमें यकीन था कि आप इतनी जल्दी आएंगे। प्लीज टेक अ सीट। यह आपकी गलत फहमी है मिस्टर मेहरा, मैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपके हर जाने के रुपए लेकर आया हूं, पूरे 2.5 लाख रुपए हैं, गिन लीजिए। और मुझे एक लेटर दे दीजिए कि आपके पूरे पैसे आपको मिल गए। क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि आपने इतनी बड़ी रकम का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे किया? अपनी जिद और अपने जमीर को छोड़कर बाकी सब कुछ बेच दिया। क्या बिजनेस एथिक्स के मुताबिक आपका जमीर आपसे यह कहता है कि आपने जो कुछ भी किया सही किया? मिस्टर मेहरा,
मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है। I admire your guts। हम आपकी मोहब्बत के जज्बे की इज्जत करते हैं। But business is business। Bye, Mr. Mehra। Mr. Baby, हमारी सेक्रेटरी से लेटर लेते जाइएगा। थैंक यू। चलिए पहले घर की मालकिन। अजीब बात है छाबड़ा साहब, जहां भी जाता हूं लोग काम देने से इंकार कर देते हैं। क्योंकि बड़े आदमी का इशारा ही काफी होता है। क्या मतलब? बेटी, तुमने मिस्टर मेहरा का काम हाथ में लेकर उसे पूरा नहीं किया। जानते हो उन्हें कितना नुकसान पहुंचा है? बहुत नुकसान पहुंचा है। अरे मिस्टर बेदी यार, चलिए हम आपको छोड़ देते। जी शुक्रिया, वैसे भी कम एहसान है आपके हम पर। हम तो उसको काम देवे जो अपने काम में अव्वल नंबर होए, सो तुम हो। दूजे जो बेकार और मजबूर हुए, सो तुम हो। जाग के सोना है, हर कल तुम संडे समझो, बस किसी बात का रोना है। सुबह मुझे जल्दी उठना है, इसलिए जल्दी सोना है। मैंने तो सोचा था मेरे हाँ में हाँ मिलाओगी, सुन के
सब झूली नहीं समाओगी, मैंने तो सोचा था मेरी हाँ में हाँ मिलाओगी, सुन के मेरी बात मेरी जा झूली नहीं समाओगी। अरवाली किस्मत भरी जवानी में सितम भी होना है, हाँ मुझे जल्दी उठना है इसलिए जल्दी सो जा बाबा। अच्छा लगता है मीठे मीठे ख्वाब आए, आप कभी आएंगे सपने जब हम जल्दी सो जाए, कभी कभी अच्छा लगता है मीठे मीठे ख्वाब आए, आप कभी आएंगे सपने जब हम जल्दी सो जाए। धीरे धीरे प्यार के धागे में हर ख्वाब फिरोना है, अरे आज रात हमको पगली जाग जाग के सोना है। क्या कर रहे हो? छोड़ो, नहीं बाबा प्लीज। चांद रात का ये कहना है एक बार तो प्यार से मिल, लाख न चाहूं फिर भी तेरी बातों में आ जाएगी, अरे चांद रात का ये कहना है एक बार तो प्यार से मिल, लाख न चाहूं फिर भी तेरी बातों में आ जाएगी। जाने तेरी बातों में क्या ऐसा जादू टोना है, आज रात भर हमको पगली जाग जाग के सोना है। हर कल तो संडे की छुट्टी है फिर किस बात का रोना है। क्या बात है बेटे? अरे पिछली बार सिर्फ दो महीने में फेल थी और इस बार हर सब्जेक्ट में फेल है, और इतना ही नहीं उन्होंने उसे घर भेज दिया है वापस। क्या? हाँ। अब मैं कहाँ है? ऊपर है मिसेस बेकर के साथ। मिस्टर मेहरा अब मैं यह एक पल भी नहीं ठहरूंगी। अब क्या हो गया? बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मिसेस बेकर आखिर हुआ क्या? इससे ज्यादा और क्या होगा, पहले नोचती थी अब काटना भी शुरू कर दिया है। मैंने इस नौकरी की खातिर अपने बच्चों को निग्लेक्ट किया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मिसेस बेकर अगर आई एम सॉरी। मिसेस बेकर के बाद हमें शायद ही कोई अच्छी गवर्नेंस मिले। अशोक मिनी को गवर्नेंस की नहीं माँ की जरूरत है, यही ना कितनी बार कहेंगे आप। लेकिन शकूर चाचा इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी दूसरी बीवी हमारी बेटी को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करेगी, इस बात की क्या गारंटी है? हाँ उसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिस नीना को तुम ढूंढ रहे हो वो इस जहां में तो नहीं मिलेगी। चल दिए वो मारवाड़ी हमारी ऐसी तैसी कर देगा। अरे क्या नारे ए गुड्डू बेटे, ये क्या हो गया तुम्हारी मम्मी को? हाँ आजकल बहुत नहाने लगी हैं। हम जा रहे हैं उनको बोल देना, समझे? आज हमारे कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी
आज हमारे कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है, समझे? तुम दिन भर अपनी मम्मी का दिल बहलाना और अपनी मम्मी को बोल देना कि मम्मी जी। पति की रीढ़ की हड्डी टूट जाने से उनकी नर्व्स पर दबाव आ गया है, इसलिए इस वक्त वो कमर से पांव तक पैरालिटिक हो गए हैं। वो अब जिंदगी भर पिता बन नहीं सकते, इसलिए मैं झूठा दिलासा देना नहीं चाहता। ऐसे केसेस में 50-50 चांसेस होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए हैं या कुछ अरसे के लिए। विश्वास और हिम्मत दो ऐसी ताकतें हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती हैं। Let's hope for the best. ये दवाइयां और इंजेक्शंस फौरन ले आइएगा। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, पापा बोलते हैं मम्मी बहुत 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 ही अच्छी है। मम्मी, तेरे को पता है पापा के कॉन्ट्रैक्ट का आज आखिरी दिन है, कल पापा को ढेर सारे पैसे मिलेंगे, फिर पापा अपना स्टूडियो खोलेंगे, फिर मम्मी हमारा भी अपना बंगला होगा, मोटर कार होंगी, नौकर चाकर होंगे, फिर हमारे भाई बहन होंगे। अरे मम्मी कितना अच्छा लगेगा ना, हमारे खूब सारे भाई बहन होंगे। मम्मी मम्मी, पापा कह रहे थे मम्मी से पूछना मेरे कितने भाई बहन होंगे। सेठ जी, मैं आपके पास उनके कॉन्ट्रैक्ट के बाकी के पैसे लेने आई हूँ। देखो, मारो कुछ उसूल है, हम बाकी के पैसे उसी वक्त देवे हैं जब काम पूरा हो जाए। छोरे से वो काम पूरा कर दे और रोको ले जाए। लेकिन वो तो अस्पताल में जख्मी पड़े हैं। बेटा, आपको पता नहीं वो तो आप ही की फैक्ट्री में क्रेन से गिर पड़े थे। मैंने उसे नहीं गिराया, किसने कहा था कि क्रेन पर चढ़ जाए? अरे उसका काम फोटा खींचना है, सर्कस का खेल करना नहीं। सेठ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप आधे पैसे भी दे तो। उसके लिए हम अपना उसूल तोड़े? बिल्कुल नहीं। मैं जानू आजकल का इलाज बड़ा महंगा हुए, मेरी बात मानो, उसे किसी खैराती अस्पताल में डाल दो, रोकड़ों भी बचेंगे और इलाज भी हो जाएगा। हाँ, ऊपर के खर्चे के लिए 150 दान खाते से दे सकता हूँ। ये रुपये आप अपने पास ही रखिए, आपके बाल बच्चों के काम आएंगे। एक बात तो बताओ, कोई आमदनी नहीं है फिर भी ये दवाएं
मेरा इलाज, घर का खर्च, ये सब कैसे चल रहा है? थोड़ा बहुत बचा रखा था। हाँ, लेकिन अब तो कब तक चला लोगी? अब तक तो चल रहा था, लेकिन अब राज, राज अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं कोई नौकरी कर लूं। नौकरी? मेरे जीते जी तुम, इससे तो अच्छा होता कि मैं अपाहिज होने की बजाय मर ही जाता। शादी के वक्त हमने कसम खाई थी कि सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। तुमने तो आज तक सिर्फ मुझे सुख दिए हैं, अपनी कसम निभाई है। मुझे भी तो अपनी कसम निभाने दो। जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी ना, तुम नौकरी छोड़ दोगी। I am sure you will enjoy working with us. Thank you, sir. Thank you very much. Miss Radha, आपकी आंखों में आंसू? शायद आपको नौकरी मिलने की बहुत खुशी हुई है। जी हाँ, ये नौकरी मेरे पति की जिंदगी है। अब मैं उनका इलाज करवा सकूंगी। आपके पति? जी हाँ। बीमार हैं? जी हाँ, उन्हें पैरालिसिस हो गया है। राजा जी, अव्वल तो हम शादीशुदा को नौकरी देते ही नहीं, और फिर आपके पति बीमार हैं। आपकी सारी तवज्जो तो आपके पति में होगी, आप हमारे काम पे ध्यान ही क्या दे सकेंगी? गैर शादीशुदा, 1,500 रुपए, अनमैरिड। मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर रहे हो। हाथ लगे नौकरी छीन ली, क्या कसूर था मेरा? ये कि मैंने सच बोला कि मेरे पति बीमार हैं। सिर्फ ये निशानी ही तो छुपाना चाहती हूं। मैं इस नौकरी से इतने पैसे कमा लूंगी कि मेरे राज फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। भगवान, इस झूठ के लिए तुम तो मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। सूजी, मिस राधा, यह आपका नाम है। थैंक यू। कंपनी के मालिक का नाम क्या है? मिस्टर मेहरा। मिस्टर अशोक मेहरा? यस, दैट्स राइट। थैंक यू। यू आर वेलकम। सुनो बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शकूर अहमद है, मैं इस कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ। तुम यहाँ इंटरव्यू लेने आई थी ना? जी हाँ, लेकिन अब मैंने इरादा बदल दिया है। बगैर इंटरव्यू दिए इरादा बदलने की वजह? ये मेरा जाती मामला है। बेटी, 5 मिनट के लिए मेरे ऑफिस में आओ, उसके बाद जो जी चाहे फैसला कर लेना। आओ ना, आओ बेटे। हाँ,
मिस्टर चोपड़ा, आई विल कॉल यू आफ्टर 5 मिनट्स. राइट सर. समझ में नहीं आता ये कैसे हो सकता है. लेकिन मुझे ये नौकरी करनी ही नहीं. अगर 2000 रुपए मिले तो भी नहीं. नहीं. 2500. लेकिन 3000. मैं इस नौकरी से इतने पैसे कमा लूंगी कि मेरे राज फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे. भगवान, इस झूठ के लिए तो मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर है. कहीं इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया. लेकिन आप मुझे इतनी तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने कहा कि उस बिन मां की बच्ची की देखभाल के लिए तुमसे अच्छा और कौन हो सकता है. ओह, मुझे ऐसा लगा जैसे आप लोग मुझे पहले से जानते हैं. मैं चाहूंगा कि तुम कल से ज्वाइन कर लो. मेरा साहब घर में है. हाँ जी, अंदर जाइए. शकुर साहब ने आपके पास भेजा है. मेरा नाम राधा है. क्या है पापा? पापा ये कौन है? मैं आपकी नई गवर्नेस हूं बेटे. आपका नाम क्या है? I'm sorry. I'm really sorry. यहां बैठिए ना. Please. नहीं नहीं कोई बात नहीं. बैठिए. ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं. बड़ी बदकिस्मत है ये बच्ची. अगर आप मुझे एक मौका और देंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं मिनी का दिल जीत लूंगी. कल ऐसी हरकत नहीं होगी. मिनी के बारे में हम आपको सब कुछ पहले से बता देंगे. मैं सब कुछ जानती हूँ. शकुर साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है. सब कुछ? जी हाँ. मिनी की यह हालत आपकी बदौलत है. अगर आपने उसे झूठ में बोला होता कि एक दिन उसकी माँ लौट आएगी तो उसकी यह हालत ना होती. एक दिन तो उसे असलियत का पता चली जाएगा. उसी दिन से तो डरते हैं हम. कल आएंगे ना? हाँ बेटे. ये देखो, ये डबल डेकर, ये मिल्क चॉकलेट, ये नटीज, ये सब आपके लिए. पापा, आज आप मुझे इतना मस्का क्यों लगा रहे हैं? बेटा, आपसे एक बात करनी. बात तो आप रोज ही करते हैं. नहीं, आज एक खास बात करनी है. वो क्या है? वो कल जो नई गवर्नेंस थी ना. मुझे मालूम है पापा, वो आज भी आने वाली है. ओ, देखो बेटा, अगर आप सबसे झगड़ा करती रहेंगी ना तो आपको कोई अच्छा नहीं मिलेगा. मैं क्या करूं पापा, मुझे तो कोई गवर्नेंस अच्छी ही नहीं लगती. लेकिन बेटा, ये जो गवर्नेंस है ना, ये बहुत अच्छी है. अच्छा पापा? हाँ. फिर तो मैं उनसे बड़ी अच्छी तरह से बात करूंगी. बेटा जल्दी से प्रॉमिस कर दो प्लीज. प्रॉमिस. यू आर सच अ स्वीट हार्ट. ठहरो एक मिनट. ये लो. नमस्ते.
ऐसा लगता है नरक से निकलकर स्वर्ग में आ गया हूं। अपना घर अपना ही होता है। वो तो आज से हो गया क्योंकि तुम आ गए ना। कल तक तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक पिंजरे में अकेली कैद हूं। एक अफसोस है बिस्तर से पीछा नहीं छूटा। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। हर चीज तुमने मेरे इर्द गिर्द रख दी है, किसी बात की कमी नहीं होगी। लेकिन तुम्हारे काम पर चले जाने के बाद तुम्हारी कमी कौन पूरी करेगा? मुझ पूरी ना होती तो क्या मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला रहने देती? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं चलूं? राधा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि तुम मेरी हो। डर लगता है कहीं तुम्हें किसी की नजर न लग जाए।
लो आ गई। बड़ी बेताबी से मिम्मी आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा? आप चाय पियेंगी? नहीं। हाँ हाँ पियेंगी। सुंदर चाचा जी चाय जी आइए ना। बहू रानी क्या हो गया? मुझे देख के भूत जी वो अफीम ची है, ज्यादा हो जाती है तो अनजानों को भूत समझता है। सरपोक है ना, कभी कभी मिर्गी का दौड़ा पड़ता है। तो फिर आप जूता समय ही ना। जूता 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 जूता। अरे अरे भाई ये भूत नहीं है, ये तो मिन्नी की गवर्नेंस है। जी नमस्ते। ये वो नहीं है। अरे ये वो नहीं है, कहाँ मिन्नी की गवर्नेंस है। हाँ मिनी बेटा जाओ मिस को ऊपर ले जाओ कमरे में। चलिए मिस। घटा करेंगे अभी गुड़ का गोबर कर दिया था। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? अरे वही जो तुम कर रहे थे। 2 + 3 = 2। अरे तेवा पांडु रंगा तुझे लीला न्यारी आहे रे, ते भी शिका लगली ना। नेम साहब तुमच्या साठी चहा। अरे नेम मैं नाश्ता करके आई हूँ। बरे बरे चलिए मिस नाश्ता कर लीजिए। मैं बेटे मैं नाश्ता आपको करके आपको नाश्ता करना ही पड़ेगा। आइए भाई भाई आप भी खाइए। नहीं आप खाइए, मैंने खा लिया। अच्छा क्या कर रही है? मैंने पढ़ रही है साहब। हाँ साहब शरारत तो नहीं कर रही? नहीं साहब बेबी पढ़ रही है। ओ बेबी पढ़ रही है। हाँ मिस स्वीट्स खाइए ना। नहीं बेटे मैंने अभी नाश्ता किया। नहीं मिस आपको खाना पड़ेगा। अच्छा क्या हुआ? क्या हुआ मिनी? कुछ नहीं, मैं मिनी को कुछ डरावनी कहानियां सुना रही थी इसलिए वो। That's not good. आप मिनी को डरावनी कहानियां मत सुनाया कीजिए। जी चलो मिनी बैठ जाओ, लिखो। क्या लिखा आपने? 3 + 4 = 2 लिखो। चलो अरे मिस्टर राज बेदी ये है। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या मालूम था भगवान मेरी इतनी जल्दी सुन लेगा। क्या हुआ, क्या रोता क्यों है? ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया सर? पनामा? कहा मैं अपने हाथ से 555 लाता था, आज पनामा। हाय पनामा, हाय पनामा। चंदू, ए चंदू साहब, जिस दिन आपने मुझे घर से निकाला था ना, मैंने बद्दुआ दी थी कि आपका सर्वनाश हो जाए। मुझे क्या मालूम भगवान मेरी इतनी जल्दी सुन लेगा, इतनी जल्दी सुन लेगा। नहीं भगवान तेरे पास और कोई काम नहीं, मेरी सुननी थी, अरे किसी और की सुन लेता। नहीं साहब मुझे रोने दीजिए। इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। सुन तेरी बद्दुआ थोड़ी लगी। अरे ये तो होनी थी सो हो गई। कौओं के कहने से किन जानवर मरते हैं? अरे मरते साहब मरते हैं, ये हो गया ना। मैम साहब घर पे? नहीं काम पर गए हैं। वाकई काम पे गए हैं? हाँ चंदू
जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से उसी की कमाई पे घर का खर्च चल रहा है। मैं हूं ना, 5 साल आपका नमक खाया, कोई सेवा का मौका हो तो जरूर देना, शर्माना नहीं आप। नहीं सच्ची हां, प्रॉमिस। तू खुश रहे बस, अभी तक तेरी दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ठीक है, कभी कभी मिलने आ जाएगा। अरे डेफिनेटली डेफिनेटली। पापा हम आइसक्रीम खाएंगे। हाँ हाँ ठहरिए इधर, अभी लाते हम। और तुम्हारी मम्मी भी कभी नहीं आएगी क्योंकि वो मर चुकी है। लेकिन पापा तो कहते हैं कि तुम्हारे पापा झूठ कहते हैं ताकि तुम्हें दुख न पहुंचे। मेरी मम्मी आएगी? नहीं आएगी, जो मर जाते हैं वो वापस कभी नहीं आते। हम तो है छुई मुईब का करियो भमरा बनके, ओ भमरा बनके आए गए हो। हम तो है छुई मुईब का करियो भमरा बनके, ओ भमरा बनके आए गए हो। देखे वो हमका ऐसी नजर से, देखे वो हमका, देखे वो हमका।
आज आप मेरे पास सो जाइए ना। अच्छा तुम सो जाओ। चलिए ड्राइवर आपको घर छोड़ाएगा। सोए नहीं अभी तक? और इतने सारे सिगरेट पी गए? दोनों सवालों का एक ही जवाब है, चिंता। किस बात की? तुम्हारी। काफी रात बीत गई है ना। राज आज पता क्या हुआ? मैंने क्या एक्सीडेंट होने वाला था। हाँ बाल बाल बच गई, फिर उसकी जिद से एक कठपुतली का शो देखना पड़ा। मेरी गोदी में सर रखकर सो गई। मैं उठू तो जाग जाए। हाँ मुझे जाने ही न दे, मैं बड़ी मुश्किल से उसे सिला के आई हूँ। कोई और बात बाकी रह गई है क्या? क्या मतलब? मतलब जरा आईने में जाकर देखो। हाँ? जाओ। रोज ऐसे तो लग रही हूँ। तुम्हारे माथे की विधिया जरा सी बह गई। वो मिनी को सुलाने के बाद उसकी माथे का प्यार लिया था, उसी वक्त फैल गई होगी। मुबारक हो सर, मुबारक हो, मुबारक हो। बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। क्या हुआ? अरे अब ये पनामा वनामा पीना छोड़ दीजिए और फिर से 555 सिगरेट पर शुरू हो जाइए। आपके अच्छे दिन फिर से लौट आए, मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई सर। क्या बकवास कर रहा है? अरे मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ साहब, मैं आपको नई गाड़ी खरीदने की मुबारकबाद दे रहा हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो। चंदू तू अपने कमीनेपन से बाज नहीं आएगा, मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं साहब, मैंने अपनी इन्हीं दोनों आंखों से भाभी जी को एक ब्रांड न्यू गाड़ी में जाते हुए देखा। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और वो भी वर्दी वाला।
रानी की तरह अकेली मेम साहब चली जा रही थी, चली जा रही थी। आज तुम्हें ज्यादा देर नहीं हो गई? हाँ बस जा ही रही हूं। मैं चलूं राज? हाँ चलो। देवा हेलो हेलो कौन ये शांता भाई बोलते है? शांता भाई मिनी कहाँ है? कौन साहेब बोलता है? हाँ मिनी कहाँ है? अरे मत पूछो साहेब मत पूछो। क्या हुआ? आहो काय होणार साहेब? एवढं झालं की मिनी बाबा शाळेमध्ये गेल्यात मॅम साहब बरोबर। व्हाट स्कूल गई? ये तो कमाल हो गया। ऐसा एक काम है कि आपके बारे में कुछ जानती ही नहीं। मैं खुद अपने बारे में बहुत कम जानती हूं। बस इतना जानती हूं कि मैं अनाथ थी और एक अनाथ आश्रम में पल के पड़ी हुई। राज आज जरा देर होगी। मिनी ने बहुत जिद की। अच्छा। कि आज तुम खाना खाए बगैर नहीं जाओगे। सुनो ये मिनी के डैडी मोटे रईस होंगे। मर्सिडीज 280 SC
7-8 लाख से कम नहीं होगी ना? राधा, आज तक कभी तुमने मिनी के डैडी का नाम नहीं बताया। आज तक न कभी जरूरत पड़ी, थैंक यू, न तुमने कभी पूछा। बिजनेस क्या करते हैं? एक दो फैक्ट्रीज हैं, मैंने पूछा नहीं काहे की हैं। राज, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यहां तब तक काम करूंगी जब तक कि मुझे कोई दूसरी नौकरी न मिल जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नौकरी मेरा ज्यादा से ज्यादा वक्त लेने लगी है और मैं तुम्हारे साथ कम से कम वक्त गुजारने लगी हूँ। तुम मेरी फिक्र मत किया करो, मुझे तो अकेले रहने की आदत पड़ गई है। लेकिन मैं तो चाहती हूँ ना कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारूं। सुनो, डॉक्टर साहब ने कल 3 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है। तो तुम कैसे चलोगी? चलूंगी क्यों नहीं, मैंने कल छुट्टी ले रखी है। मिसेस बेदी, मिस्टर राज की हालत पहले से बहुत बेहतर है। इलाज का कुछ असर हुआ है, अब मुझे उम्मीद है कि वो पूरी तरह से अच्छे हो सकते हैं, बशर्ते कि आप उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जा सकें। अमेरिका? न्यूयॉर्क के डॉक्टर कॉलिंस ने ऐसे ही 2-3 मरीज बिल्कुल ठीक कर दिए हैं। ओह, लेकिन डॉक्टर साहब, इलाज के लिए पैसे कितने लगेंगे? कुल खर्चा 2.5 लाख तक। अच्छा राज, मैं चलती हूँ। हाँ ठहरो, आज ये इतनी बड़ी थैली कहाँ ले जा रहे हो? ओह, ये आते वक्त बाजार से सब्जी लाऊंगी ना। इसके अंदर क्या है? राधा, ये फोटोग्राफ्स कब लाएं? कल, मुझसे बिना पूछे। तुम लाने नहीं देते। लाने की जरूरत क्या थी? इन्हें बेचने के लिए। गुर्बत से तंग आ गई। नहीं राज, तुम्हारा इलाज कराने के लिए। मेरा इन्हीं फोटोग्राफ्स को बचाने के लिए मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, यहां तक कि आज चलने फिरने से लाचार हो गया, मगर दुनिया के सामने अपनी बीवी की नुमाइश करके अपना सर नहीं झुकने दिया। और आज तो मेरी उसी खुददारी को बेचने चली। राधा, मैगजीनों में तुम्हारी तस्वीरें छपें, दुनिया के सामने मेरी बीवी की नुमाइश हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इससे बेहतर है कि तुम मुझे जहर दे दो। शकुर चाचा। क्या है? शकुर चाचा, जरा मेरे टिकट का नंबर भी मिला दीजिए, आपके हाथ में बड़ी बरकत है। पिछली बार मुझे 5,000 रुपए मिले थे, अब की बार पूरे 25,000 रुपया चाहिए। अबे लॉटरी को रोज निकलती है, जब कोई नाश्ता ले आ। हुक्म कीजिए। कीमा, कीमा। अब मैं बकरा ढूंढने निकलूं, साहब भी एक दिन पहले हुक्म देते हैं। बदतमीज। अंडा है? काहे का? काहे का? आलू का पराठा लिया। अरे मेरा खराब मुंह क्या देखता? आलू का पराठा लिया। जाता हूँ, आलू का पराठा लिया। एक तो मेरे टिकट का कीमा कर दिया, ऊपर से पराठा लिया आलू का। शकुर चाचा। हाँ, आओ बेटे, आओ, आओ बैठो। ये लॉटरी का इनाम आपको कभी मिला है? मुझे तो कभी नहीं मिला, लेकिन जब भी मैंने दूसरे के नाम की टिकट ली उसकी निकल आई। और एक छुट्टन टेलर दर्जी, उसका तो 5 लाख का बम्पर ड्रॉ निकल आया, और उसने एक चीप जॉन नाम की टेलिंग शॉप खोल ली।
लाखों रुपए कमा रहा है। शकुर चाचा हाँ? ये मेरे 30 रुपए हैं, आप मेरे लिए भी टिकट खरीद लीजिए ना। बेटी तुम्हें पैसों की जरूरत है? नहीं मैं ऐसी बात है, तुम अशोक से कहकर तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। नहीं बस मैं एक बार अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ। ठीक है, हमारी दुआ और तुम्हारी किस्मत, बम्पर ड्रॉ निकलेगा। थैंक यू। बहुत खूब शकुर चाचा, बहुत खूब। आप तो सुधरने वाले नहीं, इनको भी लत लगा दी, खुदा खैर करे। अरे कभी मुलाकात होती तेरी इनसे? अरे यार सिंगल लग रहा है, कैसे? अरे जब से आप बेकार हुए हैं उनकी चांदी ही चांदी है। कैसी बातें करता है, टैलेंटेड लोग हैं, ऐसा मत बोलना उनके बारे में। ये अपनी मेम साहब काम कहाँ करती हैं? पता नहीं, कोई चोपड़ा है शायद, टेक्सटाइल वाले। चोपड़ा? हाँ। मेम साहब ने कहा? साहब कहीं आपको मुगालता तो नहीं है? अरे नहीं भाई, कुछ चोपड़ा ही है टेक्सटाइल वाले, मुझे अच्छी तरह याद है। मेरा तो नहीं। कौन मेरा? वही जिनका आप काम करते थे, जहां मेम साहब से आपकी मुलाकात हुई थी और ये सब। चंडू तू कहने का चाहता है राधा मुझसे झूठ बोलती है? नहीं साहब। कमीने, औकात में रहे, मेरे सामने बैठकर मेरी बीवी की बदनामी कर रहा है। कमाल है, साले हमदर्दी जताकर नश्तर चुप हो रहा है। दफा हो जाए यहां से। अरे दफा हो जाए यहां से, हरामी के पहले दफा हो जाए। अरे आपको बुरा लगा? अपना क्या, अपना तो है नेकी कर कुएं में डाल। सो डाल दी, आपको बुरा लगा? आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। The conference is the best of the hotels with the best band and entertainment and should be done immediately. Yes. Speaking. Yes, I do mind. Yes. The French collaboration, in case they can't do it, then go in for the Italians. Yes. Or we'll do it in India. Yes, yes. Ji haan. Mr. Mehra. Aadmi kamata hai do waqt ki roti aur apno ke liye. Aap dining table par bhi business ki baatein kar rahe hain. कम से कम चैन से नाश्ता कर लीजिए। सुंदर चाचा जी, टेलीफोन ले जाइए प्लीज। ले जाऊं? लाइन पे, लाइन से नीचे नहीं। मिनी बेटे सब तुम्हारी चीजें आ गई। ये सब मेरे लिए है? हाँ बेटे सब तुम्हारी। आ गए? आ गए, नीचे हैं। सुंदर चाचा ये सब क्या है? मैम साहब ये मिन्नी बेटी के जन्मदिन की तैयारियां हैं। अच्छा कब है जन्मदिन? 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर। आंटी। लीजिए आंटी। ये क्या है बेटे? आपके लिए साड़ी, आप उसी को पहनकर मेरे जन्मदिन पर आइएगा। थैंक यू वेरी मच बेटे, लेकिन मैं 15 को नहीं आ सकूंगी, मैं छुट्टी ले रही हूँ, बहुत जरूरी काम। 16 को कर लीजिएगा। नहीं बेटे ये काम 15 का ही हो सकता है। अगर आप मेरे जन्मदिन पर नहीं आए तो मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी और मेरी और आपकी कट्टी कट्टी कट्टी। ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ 15 दिसंबर को ही हो सकता है? जी जी मुझे उसी दिन अपने इष्ट देव की पूजा करनी है। पूजा तो आप यहाँ भी कर सकती हैं, इस घर में भी मंदिर है, इस घर में भी एक भगवान है। लेकिन जिस भगवान को मैं मानती हूँ उन्हीं की पूजा करनी है और वो मेरे घर में है। 15 तारीख को ना तो अमावस्या है ना पूर्णमासी, और आज तक हमने मिनी का जन्मदिन कभी नहीं मनाया। ये पार्टी सिर्फ आपकी खातिर है। सरकती जाए रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता ये आज अचानक तुम्हें आरती की क्या सूझी? क्या तुम्हें ये भी याद नहीं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है? लगता है शरीर के साथ साथ दिमाग भी अपाहिज हो गया। मेरे होते हुए जिंदगी में फिर कभी ऐसी बात ना करो। चलो मुंह खोलो।
ऐसे क्या देख रहे हो? ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। जहां तक मुझे याद है साड़ी मैंने पहले कभी नहीं देखी और ना ही शायद मैंने तुम्हें दी। ये मिनी का गिफ्ट है। आज शाम को मिनी की बर्थडे पार्टी है। उसने कसम दिलाई कि आज मैं यही साड़ी पहन कर आऊं। मिनी की पसंद बहुत अच्छी। मिनी की पसंद नहीं, उसकी डैडी की पसंद है। लगता है उसकी हर पसंद बेहतरीन है। अच्छा मैं चलती हूँ राज। लगता है आज के दिन तुम नहीं चाहते हो ना कि मैं काम पे जाऊं। पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों ऐसा सोचने लगा? अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। इतनी अच्छी नौकरी और इतने अच्छे मालिक बड़े नसीब से मिलते हैं। तुम खाने पे मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ आपके सिगरेट केस में आंटी की फोटो? बेटा बात ये है। पापा आपको आंटी बहुत अच्छी लगती है ना? ये फ्रॉक बहुत अच्छी है, ये पहन। ओके पापा। गुड मॉर्निंग बॉस। चंदू तूने फिर इस घर में कदम रखा? शादी की सालगिरह मुबारक हो साहब। इस शुभ दिन पर तो मुझे घर से मत निकालिए प्लीज। ये लीजिए मिठाई, ये फूल। रास्ते में फूल खरीद रहा था तो स्टैंड पर मैगजीन में मेम साहब की फोटो देखी, तो ये स्पेशल कॉपी आपके लिए भी लाया हूं। मैगजीन में राधा की तस्वीर? हाँ, पेज नंबर 52 पर देखिए। 52 ये। जी हाँ, चोपड़ा नहीं और मेहरा भी वो ही मेहरा। अभी तो आपने देखा, जरा आगे पढ़िए, कैप्शन पढ़िए। मिस्टर अशोक मेहरान, मिस राधा। हैरानगी इसी बात की हुई, मिस राधा, मिस बेदी क्यों नहीं? बात जरा सोचने वाली है साहब, बड़ी गहरी बात है। क्या मिसेस बेदी ने अपने आप को शादीशुदा क्यों नहीं बताया? जरा सोचिए। राधा ने मुझसे झूठ बोला, मेरी बीवी उसी क्या काम कर रही है जिसकी वजह से मेरी हाल। नहीं 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 नहीं, वो बेचारी भोली है, ये तो डेफिनेटली मेहरा ने कोई चक्कर चलाया होगा। उसने क्यों? इसलिए कि उसको आपने धोखा दिया था और अब वो आपकी बीवी के जरिए आपसे बदला ले रहा है। अरे अरे सुंदर चाचा। हाँ जी। पियानो के ऊपर नहीं, वहां रखिए ना। अच्छा यहाँ नहीं, वहां। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। हाँ हाँ वहां, ठीक है। आज 15 दिसंबर है ना? आज मेरा जन्मदिन है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, तुमने मुझे अपना बनाकर आज एक नई जिंदगी दी है। आपने कभी अपने भविष्य के बारे में सोचा है? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है अपने जीवन साथी के बारे में। ओह, वो तो हर लड़की सोचती है। क्या? यही कि उसका पति करोड़पति ना सही, कम से कम लखपति तो हो। उसके पास कम से कम 2-4 बंगले तो हो, नौकर चाकर हो, गाड़ियां हो, सुखी जीवन बिताने के लिए आदमी के पास इतना तो होना चाहिए ना।
इतना तो होना चाहिए ना, चाहिए ना? सुखी जीवन बिताने, सुखी जीवन बिताने के लिए आदमी के पास इतना होना चाहिए, जीवन बिताने, सुखी जीवन बिताने के लिए आदमी के पास इतना होना चाहिए, आदमी के पास होना चाहिए, सुखी जीवन बिताने के लिए, सुखी जीवन बिताने के लिए आदमी के पास होना चाहिए, आदमी के पास होना चाहिए, सुखी जीवन बिताने के लिए। हैप्पी बर्थडे बेटे। हैप्पी बर्थडे। आप लोग पूछते थे ना मेरी मम्मी कौन है, मैं बताऊं, मेरी मम्मी ये है।
कभी कभी बच्चों के मुंह से सच्ची बात निकल आती है। जी देखो ना मिनी ने सबके सामने आपको माँ कहा। मिनी तो नादान है, बच्ची है, लेकिन हम तो उसकी तरफदारी करेंगे। आपने उसे वो मोहब्बत दी है जिसके लिए वो बचपन से तरसती रही। दरअसल आपने उसे सुधार दिया है। हमारी नजरों में आप बिल्कुल उसकी माँ जैसी हैं। माँ जैसी और माँ में बहुत फर्क होता है मेरा साहब। एक औरत दूसरे की औलाद को इतना प्यार नहीं देती जितना कि तुमने दिया है। आप कहना क्या चाहते हैं? ये आपके लिए। मेरा घर आ गया, गाड़ी रोकिए। चाहती थी लेकिन कोई बात नहीं, पार्टी में देर तो हो ही जाती है, फिर किसी ने कह दिया होगा इतनी जल्दी भी क्या है घर जाने की। और तुम लोग कहीं होंगे? अच्छा बाबा, अब मैं फिर कभी देर से नहीं आऊंगी। वो तो है, अब बस से तो आना नहीं पड़ेगा, मालिक कार से घर तक छोड़ी जाएंगे। तुम आज भी खिड़की के पास बैठे थे, तुम मुझ पर नजर रखते हो? हर शौहर को अपनी बीवी पर नजर रखनी चाहिए, खास करके जब बीवी उससे असलियत छुपाने लगे। असलियत? हाँ असलियत। मैं सिर्फ पापा ही झूला था, अन्ना या बहरा नहीं। मेरे भी कुछ हमदर्द दोस्त हैं जिनसे मुझे तुम्हारी खबरें मिलती रहती हैं। किस तरह की खबरें? वही जो तुम बताना नहीं चाहते, जैसे कि तुम मिसेस बेदी से मिस राधा हो गई, जैसे कि तुम्हारा मालिक मिस्टर मेहरा से चोपड़ा हो गया। तुमने ऐसे आदमी की नौकरी कबूल की जिसकी वजह से मेरी यह हालत हुई, और तुमने मुझे आज तक नहीं बताया। लेकिन ये नौकरी के एडवर्टाइजमेंट की पहली शर्त थी कि लड़की शादीशुदा ना हो। फिर तुमने ये नौकरी कबूल क्यों की? मैंने ये नौकरी इसलिए कबूल की कि इतने पैसे और किसी नौकरी में नहीं मिलते राज। ये देखो, अमेरिका से डॉक्टर की चिट्ठी भी आ गई है। देखो, इलाज के लिए कम से कम 2.5 लाख रुपए की जरूरत है। मैं एक एक पैसा बचाकर बैंक में जमा कर रही हूँ राज। तुम क्या जानो मैं किस किफायत से घर चला रही हूँ। यहाँ तक कि मैं हर महीने लॉटरी की टिकट भी खरीदती हूँ कि कम से कम एक ना एक दिन मेरे भगवान मेरे सुहाग पर मेहरबान हो जाए। सुहाग? वही सुहाग ना जिसके निशान आजकल अक्सर मुझे नजर नहीं आते, और खास तौर पर उस रोज तुम्हें रात गए अकेले घर छोड़ने आते। तुम मेरे चरित्र पर शक कर रहे हो? चरित्र? मुझे पूरा यकीन है कि अब आपके पास चरित्र नाम की कोई चीज रही नहीं। तुम्हें हमेशा से मोटर गाड़ियों, बंगलों, नौकर चाकरों की हवस थी। मिली की गवर्नेंस बनकर और मेरी अपाहिजगी का फायदा उठाकर तुमने अपने सारे अरमानों को पूरा कर लिया है।
और कुछ कहना चाहते हो? कहना तो नहीं चाहता, लेकिन पूछना जरूर चाहता हूँ कि मिनी के डैडी के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कहाँ तक बढ़ चुके हैं। तुम मुझ पर इतनी गंदी तोहमत लगा सकते हो राज? तुम जैसी बीवी से तो रखेल अच्छी होती है बदजात, जो रुपयों की खातिर अपनी इज्जत बेचती है मगर अपने मालिक को कभी धोखा नहीं देती। करो। होकर रहती है। मिस्टर बेदी, मेरा तो ख्याल था कि हमेशा की तरह तुम मेरी बीवी को पीछे वाली गली तक पहुंचाकर चुपचाप अपने घर वापस लौट गए होगे। शायद वही बेहतर होता। कम से कम तुम जैसे जलील आदमी की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ती। बहुत खूब, तुमने सब कुछ सुन लिया, इसलिए तो हम रुक भी गए। सोचा तुम्हारे दिल और दिमाग में जो जहर भर गया उसे हम निकालते चले। ओ सच मानो हमें आज पता चला कि राधा शादीशुदा है और वो तुम्हारी पत्नी है। अशोक मेहरा, बेदी से बदला लेना चाहता था ना, तुमने एक औरत का सहारा लिया, मेरी बीवी को जरिया बनाया। जी तो चाहता है कि मेरी जान लेने का, ले ले मार डाल मुझे, ले पीछे से गला दबा दे, घर में सिर्फ राधा है और वो तेरे खिलाफ तो गवाही देगी नहीं। मेरा मिस्टर मेरा, ये सब क्या है? आप यहाँ कैसे? हम आपके पति की कुछ गलत फहमियां दूर कर रहे थे। इन्होंने आपके बारे में जानती हैं क्या क्या नहीं कहा? ये मेरे पति हैं जो जी में आए कह सकते हैं, मगर आप कौन होते हमारी घरेलू जिंदगी में दखल देने वाले? ये हमारा निजी मामला है। खराब हो गई होगी। पापा मैं डॉक्टर को लेकर उनके घर जाऊं? नहीं बेटे। पापा उनकी तबीयत खराब होगी, मैं जाऊंगी। हमें कह देना तुम नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। मैंने
बेटे, आप तो रो सकते, हम तो रो भी नहीं सकते। हेलो, हाँ हेलो शांता भाई, मिनी कहाँ है? बेबी तो गेली। क्या, कहाँ? मसूरी के बोर्डिंग में भेज दिया है। मसूरी? कितने बजे की गाड़ी से? 4 बजे की गाड़ी से मैं साहब। पापा मुझे मत भेजो, पापा मुझे मत भेजो, अब मैं जान गई हूँ, मेरी मम्मी कभी नहीं आएगी। पापा पापा मुझे रोक लो पापा, मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। पापा चुप हो जा बेटी, ना रो, चुप हो जा बेटी, चुप हो जा बेटा, ना रो, चुप भी हो जा, मेरी बात सुनो पापा, मुझे अपने पास रहने दो। ना रो मिनी बेटी, ना रो, ना रो बेटी, ना रो, ना रो बेटी, चुप भी कर बेटी, मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, प्लीज पापा मुझे अपने पास रहने दो। आप चले जाइए, आपका कलेजा पत्थर का हो गया है, और कितना रुलाएंगे मम्मी की जान को। चले जाइए, चले जाइए आप, ना रो बेटी। मिसेस बेदी, मिसेस बेदी आपकी आंखों में आंसू? कलेजा का टुकड़ा हमारा गया और दुख आपको हो रहा। आपने मिनी को अपने से दूर भेजकर अच्छा नहीं किया। आप जानते नहीं मैं आपको कितनी चाहती है। जितना आप चाहती थी उसे, आप जानते नहीं मैं मिनी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। हमें भी यही गलतफहमी हो गई थी। अगर मिनी आपकी सचमुच बेटी होती तो इससे इतना प्यार करने के बाद अचानक उससे नाता तोड़ सकती थी आप? इंसान जब मजबूर हो जाता है, खुद गर्ज हो जाता है कहिए। मिनी के लिए आपका प्यार एक दिखावा था, सिर्फ उन रूपों के लिए जो आपके पति के इलाज के लिए जरूरी थे। क्या उनके ठीक हो जाने के बाद आप मिनी से अपनी बेटी की तरह प्यार करती? क्या उसकी आंटी बनी रहती? कभी नहीं। मिनी अभी छोटी है, बच्ची है, नादान है। जिस तरह आपके कहने पर वो अपनी मां के प्यार को भूल गई, उसी तरह कुछ दिनों में आपको भी भूल जाएगी। हाँ, अगर हकीकत में आपने उसे मां का प्यार दिया होता तो शायद आज आपसे जुदा होकर उसका दिल टूट गया होता। आपने मुझे बहुत गलत समझा, सिर्फ कल तक। लेकिन लेकिन इसकी सजा मिनी को क्यों? हमें अफसोस के साथ आप ही के लफ्जों को दोहराना पड़ता है। शायद आप भूल गई कि यह हमारा निजी मामला है जिसमें दखल देने का आपको कोई हक नहीं है। मिनी को भेजकर दुख तो बहुत हुआ, लेकिन दिल का बोझ जरा सा हल्का हो गया। जो तुमने अच्छा नहीं किया अशोक, मेरी मिनी को तुमने एक यतीम बच्ची की तरह हॉस्टल में रहने के लिए भेज दिया। जब उसे तुम्हारी याद आएगी और वो अकेली रोएगी तो उसके आंसू कौन पोछेगा? तुम बाप हो ना, मां की ममता को कैसे समझ सकते हो? राधा को बुरा भला सुनाकर
तुमने बहुत बड़ी गलती की अशोक। कुछ दिनों के लिए सही, उसने मिनी को मां का वो प्यार दिया जो मैं दे नहीं सकी और तुम दे नहीं सकते। बच्चों को पहले मां की ममता चाहिए, बाद में बाप का प्यार। अशोक, भूलना इतना आसान नहीं होता। क्या तुम मुझे आज तक भूल सके? शकुर चाचा, काम बंद खुशखबरी। जो काम आप और राधा नहीं कर सके, हमने पहली कोशिश में कर डाला। ये देखिए, 5 लाख रुपए का बंपर ड्रॉ। दरअसल हमसे आप दोनों का पागलपन देखा नहीं जा रहा था, इसलिए हमने चुपके से एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया आप दोनों के नाम पर, और वही लॉटरी का टिकट आ गया। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। नहीं बेटे, जिंदगी में पहली बार तुमने मुझसे झूठ बोला है, क्योंकि ये मुझे पियानो पर रखी हुई मिली। मिनी की बर्थडे पार्टी के दूसरे रोज से उसने काम पर आना छोड़ दिया। क्यों? मैं हकीकत जानना चाहता हूं बेटे। ये अंगूठी सबूत है इस बात का कि तुमने उसका हाथ मांगा और उसने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो शादीशुदा है। क्या? उसने हमें धोखा दिया, हमसे झूठ बोला कि उस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। वो आज भी अकेली है। उसका पति एक जमाने का मशहूर फोटोग्राफर बेदी है, जो आज अपाहिज हो चुका है। उसी का इलाज कराने के लिए, नौकरी हासिल करने के लिए राधा ने झूठ बोला। उसका झूठ छुपाने के लिए हमने आपसे झूठ बोला। शकुर चाचा, आपने बचपन से हमें पाला है, ऐसी कोई बात नहीं जो आपसे छुपी हो। पहले भगवान ने हमसे हमारी नीना को छीन लिया, वो एक निशानी छोड़कर चली गई जो अपनी मां के प्यार के लिए तरसती रही। कि अचानक भगवान ने राधा को बेचकर हमारी जिंदगी में हमें एक और सजा दी। उसने मिनी को अपनी सगी मां से ज्यादा प्यार दिया, वो भी छीन गया। शकुर चाचा, हमने कौन से ऐसे अपराध किए हैं कि भगवान हमें बार बार इतनी सजाएं देता रहा है? बेटे, अल्लाह ना जाने कबर क्या करता है, ये इंसान की समझ की बात नहीं। हौसला रखो बेटे, अपने दिल को मजबूत बनाओ। चाचा, दिल तो कब का टूट चुका है, अब तो गम को बर्दाश्त करने की आदत सी हो गई है। अगर कुछ सही नहीं होता तो वो जब हम मिनी की आंखों में आंसू देखते हमसे नहीं सहन होता। Thank you.
अरे शकु चाचा आप नहीं नहीं डरो डरो जरा सुस्ताने दो मालूम है इसमें क्या है क्या है अरे तुम्हारी तकदीर क्या हाँ, हाँ, 5 लाख रुपए तुम्हारी लॉटरी के हमको ड्रॉ अरे अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली जब भी किसी का टिकट लिया लॉटरी निकली ही निकली चाहे 5 रुपए की हो या 5 लाख की हो शकु चाचा पहले मेहरा साहब आए थे आज आप आए हैं कहीं ये उनकी मेहरबानी का नतीजा तो नहीं अरे मेहरा साहब इतने दानी होते तो हम सारी जिंदगी लॉटरी के टिकट ही खरीदते रहते उनका तो एक ही उसूल है चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए दौलतमंद और मेहरबान तौबा तौबा आप सच कह रहे हैं ना बेटे मैंने तुम्हें बेटी कहा है अब बेटी के सामने झूठ बोलकर जन्म जाना मुझे क्या ये लो आप अंदर तो आइए परवरदिगार मुझे झूठ के लिए माफ कर देना ऑल पैसेंजर्स Traveling on Air India's flight AI-165 to Delhi, Frankfurt, London and New York. Kindly check through Immigration and Customs for departure clearance and proceed for security check through gate number 7. अच्छा हुआ मेहरा साहब आप आ गए मैंने आपको शायद बहुत गलत समझा था मेहरा साहब मुझे थैंक यू आज आप फिर हमें गलत समझ रहे हैं ये तस्वीर दादाजी की नहीं हमारा मतलब है ये तस्वीर आपकी पत्नी की नहीं है हमारी स्वर्गवासी पत्नी की है क्या मिनी को जन्म देने के बाद जो हमेशा हमेशा के लिए हमें अकेला छोड़कर चली गई आपकी पत्नी की शक्ल का हमारी पत्नी से मिलना एक अजीब और गरीब इत्तफाक है हम आपकी पत्नी की बहुत इज्जत करते हैं उनकी अच्छाइयां उनकी वफादारी अपने पति की तरफ अरे ऐसी पत्नी तो इस दुनिया में सिर्फ कुछ नसीबों को मिलती है दादाजी का अपने आप को गैर शादीशुदा बताना हमारी गलतफहमी की वजह बन गई अनजाने में हमारे दिल में अगर उनके लिए कोई जगह बन गई तो भाई हमारा जमीर बिल्कुल साफ है हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा मेरा साहब जो मैंने आपसे झूठ बोला अपने स्वार्थ के लिए बोला मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि बेबी सिंह मैंने आपसे जो झूठ बोला वो हम सबको इस जिंदगी के इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा लेकिन मुझे मुझे पूरा यकीन है कि आप जैसा इंसान इस बात को अपने दिल में कभी नहीं रखेगा ये कहना जरूरी था मिनी मिनी कैसी है वो एक्सक्यूज मी प्लीज आपकी फ्लाइट डिले हो रही है सुरक्षा जांच करवाइए आ, 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 आ,
थैंक यू। तुम रो क्यों रहे हो? बहुत खुश हूं, फख्र हो रहा है कि तुम जैसी पत्नी मिली। तो फिर मुस्कुरा दो। राज सुनो, जब वहां मैं अस्पताल में रहूंगा तुम अकेले अपना वक्त कैसे गुजारोगे? मैं रहूंगी ना आंटी के पास। अरे मिनी क्यों? हेलो अंकल। हेलो बेटे। तुम यहाँ कैसे? ये रहा मेरा पासपोर्ट और ये टिकट। पापा ने आपके नाम ये लेटर भी दिया है। राधा जी, मिलना और बिछड़ना जीवन की रीत है, दो पहलू हैं, एक गम का दूसरा खुशी का। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि आपसे बिछड़कर हमें कितनी खुशी हुई है, क्योंकि आपके लौटने पर आज आपके साथ पूरी तरह ठीक होकर सही सलामत वापस आएगा। हम अपनी मिन्नी को अपनी अमानत के तौर पर आपके साथ भेज रहे हैं। उससे दूर होने का दुख हमें तो शायद बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन वो आपके बिना नहीं रह सकेगी। आपने उसे मां का वो प्यार दिया है जो भगवान ने उसे छीन लिया था। आपके उस उपकार का बदला चुकाने के लिए हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे। हम मिन्नी की पढ़ाई लिखाई की, उसे बड़ा करने की, यहां तक कि उसके लायक जीवन साथी पसंद करने की जिम्मेदारी भी आप दोनों को सौंप रहे हैं। अशोक मेरा। I'm not done।